मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी इन एन ओपन इकोनॉमी विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो हैं वो ओपन इकोनॉमी में वर्क करती हैं आज हम ये केस स्टडी करेंगे कि जब एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होता है यानी डिटर्मन होता है बाई द मार्किट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई सो देर आर टू बेसिक क्वेश्चन द फर्स्ट इज़ हाउ डू फ़िजिकल एंड मोनीटरी पॉलिसी अफेक्ट अंट्रीज रियल एक्सचेंज रेट एंड नैट एक्सपोर्ट्स के कोई भी चेंज आती है फिजिकल या मोनिट्री पॉलिसी में तो वो उस मुल्क के किस तरह से उसके एक्सचेंज रेट और नैट एक्सपोर्ट्स पर उसका इम्पेक्ट क्या होता है पहला क्वेश्चन ये है जिसको हम आंसर करेंगे और दूसरा ये कि हाउ डू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ वन कंट्री अफेक्ट द इकानमीज ऑफ अदर कंट्रीज कि पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉलिसी चेंज आती है तो एक तो ये कि पाकिस्तान की नेट एक्सपोर्ट्स और पहला क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की नेट एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है उस पर उसका इम्पेक्ट क्या होगा और दूसरा फिर ये कि पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं तो उन मुल्कों पर इसके क्या असर मुरतब होंगे सो so, ये जो हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस को इसमें थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पहला ये कि यूज़ द डोमेस्टिक इकोनॉमीज आईएसएलएम डाइग्राम टू सी द इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक आउटपुट एंड द डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट कि पहले स्टेप में हम आई एस एल एम फ्रेमवर्क की मदद से ये स्टडी करेंगे कि किस तरह जब कोई पॉलिसी में चेंज आती है तो उस चेंज की वजह से डोमेस्टिक कंट्री यानी पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो रही है तो पाकिस्तान की जो आउटपुट है और पाकिस्तान का जो रियल इंटरेस्ट रेट है उस पर वो किस तरह से असरात उसके मरतब होते हैं सेकेंड स्टेप ये होगा कि सी हाउ चेंजेज इन डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट्स कि ये जो पॉलिसी की वजह से आउटपुट और इंटरेस्ट रेट में चेंज आई है इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स और रियल एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा ये सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं और फिर थर्ड स्टेप में ये कि फॉरेन इकोनॉमीज का आईएसएलएम हम उस स्ट्रक्चर लेंगे आई तो एस की मदद से हम समझेंगे कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ उनकी इस चेंज की वजह से जो नेट एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की रियल एक्सचेंज रेट में चेंज आई है इसका असर उन इकोनॉमीज पर क्या पड़ेगा उनकी आउटपुट पर क्या पड़ेगा और उनकी इंटरेस्ट रेट पर उसका असर क्या होगा सो so, आज हम फिज़िकल पॉलिसी को स्टडी करेंगे इस मॉड्यूल में सो so, एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ अ टेम्पररी इंक्रीज इन द डोमेस्टिक गर्मेंट परचेजेज यूजिंग द क्लासिकल आर बी सी मॉडल सो द रज़ इन गवर्नमेंट परचेज शिफ्ट द आई एस कर्व आप कि जब पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल गमेंट परचेज में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हो जाएगा तो इसका असर क्या होगा कि आई एस कर्व जो है इट विल शिफ्ट अप एंड टू द राइट क्योंकि हम जानते हैं कि आई एस कर्व जो है वो गुड्स मार्केट को रिप्रजेंट करता है और गोरमेंट स्पेंडिंग जो हमारी टोटल गुड्स मार्केट की डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसी तरह से एफ ई लाइन विल शिफ्ट टू द राइट एफ ई लाइन क्यों शिफ्ट करेगी आर बी सी मॉडल में हमने देखा था कि जब भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इनक्रीज़ करती है तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा उसको फाइनेंस गवर्नमेंट कैसे करेगी या तो टैक्सेस में इमीडिएटली इजाफा कर देगी और अगर उसी साल उसी वक़्त उसमें इजाफा नहीं करती तो वो कहीं से आ, बारों कर लेगी लेकिन फ्यूचर में जाहिर है उस उस अमाउंट को रीपे करने के लिए उसे टैक्स लगाने पड़ेंगे तो बहरहाल टैक्स या आज बढ़ जाएंगे या फ्यूचर में बढ़ जाएंगे और जब टैक्स बढ़ते हैं तो फिर आप जानते हैं कि जो आ, जो कंज्यूमर्स हैं वो हायर टैक्स की वजह से पोअर फील करते हैं और फिर वो लेबर मार्केट में अपनी लेबर सप्लाई को इजाफ़ा कर देंगे जिसकी वजह से एफ ई लाइन जो है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी सो so, इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझ सकते हैं कि इनिशियली आपके पास ये एफ ई लाइन थी ठीक है आई एस वन इनिशियल कर्व था और इसी तरह से एल एम कर्व ये वाला था तो ये तीनों कर्व्स पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ से आपके आउटपुट और इंटरेस्ट रेट डिटर्मन हो रहा है सो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग आई एस कर्व विल शिफ्ट आई एस वन से आई एस टू हो जाएगा अफ शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और एफ ई लाइन भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो अब नया एक लिपिनियम पॉइंट आई एस और एफ ई लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एफ पर और जब एफ़ पर है तो फिर प्राइस डिमांड में इजाफ़ा हो गया तो प्राइसिस में इजाफ़ा होने की वजह से एल एम कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा और एल एम इस एफ पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका आउटकम क्या होगा कि डोमेस्टिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी ठीक है ये एरो शो कर रहा है डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गया ई से जब आप एफ पर जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो, हो, so हो गया नेट एक्सपोर्ट्स में कमी वाकई होगी नेट एक्सपोर्ट्स क्या है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ओके सो जब आपकी इनकम में इजाफ़ा हुआ है तो उसके नतीजे में इम्पोर्ट्स में इजाफ़ा हो जाएगा और ये इम्पोर्ट जो हैं ये नेट नेट एक्सपोर्ट्स एक्स में कमी का सबब बनेगी और डोमेस्टिक प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये मार्केट्स के इक्विलिब्रियम के लिए एलएम कर्व कर शिफ्ट करेगा और प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा डोमेस्टिक प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा इसके नतीजे में क्या होगा कि एलएम कर्व कर विल शिफ्ट अप एंड टू द लेफ्ट टू इक्विलिब्रियम एज द प्राइस लेवल बोथ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट विल राइज इन डोमेस्टिकनी ठीक है जब अब एक लिबरिंग पॉइंट होगा वो हायर आउटपुट पर है और हायर इंटरेस्ट रेट पर है सो so, हायर आउटपुट रिड्यूस द एक्सचेंज रेट जब आउटपुट आपका लेवल इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी और इम्पोर्ट्स के बढ़ने की वजह से आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिसट कर देगा क्योंकि अब आप, आप ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं आप अपने मुल्क की करेंसी को ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं और फॉरेन करेंसी को डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा तो उसके नतीजे में आपका एक्सचेंज रेट डेपी रिड्यूस हो जाएगा लेकिन इसके साथ ये तो आउटपुट के बढ़ने का इम्पेक्ट है ना और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पेक्ट इसके रिवर्स होगा ठीक है हाई रियल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज़ द एक्सचेंज रेट जब आपका मुल्क का इंटरेस्ट रेट हाई है तो ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे मुल्कों के कैपिटल को और उसके नतीजे में आपके मुलक की करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा और उसके नतीजे में एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा सो द इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट इस यानी एक आउटपुट में इजाफे की वजह से वो डेप्रिसिएट हो रहा है और रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफे की वजह से उसमें एप्रिसिएशन हो है तो वट विल बी द नेट आउटकम सो हम थोरेटिकली इसको डिटर्मन नहीं कर सकते सो द नेट आउटकम इज़ एम्बिग्यूस हायर आउटपुट एंड हायर रियल इंटरेस्ट रेट बोथ रिड्यूस नेट एक्सपोर्ट्स कि एक्सचेंज रेट पर इसका इम्पैक्ट तो एम्बिग्यूस है लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स पर इसका इम्पैक्ट जो है वो क्लियर है के दोनों के नतीजे में आउटपुट के बढ़ने की वजह से भी नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ने की वजह से और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से भी जो नेट एक्सपोर्ट्स आपकी वो कम हो जाएगी स्पोर्टिंग द ट्विन डेफिसिट हाई हाई तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी पहले एक दफ़ा कि ये ट्विन डेफिसिट से क्या मुरादा है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है और डेफिसिट है इनको हम समाइम्स ट्रीन डेफिसिट के नाम से याद करते हैं तो जब आपका फिजकल डेफिसिट में इजाफ़ा हुआ तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा हो गया so, सो अब हम ये देखेंगे कि हाउ डीज चेंजेस विल अफेक्ट द फॉरेन कंट्रीज इकानमी कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है उस पर हमारे मुल्क की जो चेंज आई थी फिजकल पॉलिसी में यानी हमने जो स्पेंडिंग में इजाफ़ा किया था इसका इम्पेक्ट हमारे ट्रेडिंग पार्टनर पर क्या होगा द डिक्लाइन इन नेट एक्सपोर्ट्स फॉर द डोमेस्टिक इकॉनमी मीन्स आर राइज इन नेट एक्सपोर्ट्स फॉर द फॉरन कंट्री क्या हमारी जो नेट एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टर पार्टनर हैं उनकी नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा सो द फॉरन करंट्री कंट्रीज आई एस कर शिफ्ट अप एंड टू द राइट इन द क्लासिकल मॉडल द एल एम कर शिफ्ट अप एंड टू द लेफ्ट एट द प्राइस राइज टू रेस्टोरिकिब्रियम दस रेजिंग द फॉरन रियल इंटरेस्टेड बट द फॉरन आउटपुट इज़ अनचेंजड इन एक् इंडियन मॉडल द शिफ्ट ऑफ द आई एस कर वुड गिव दॉरन करेंट कंट्री हायर आउटपुट टेम्पोरि इसको हम डायग्राम की मदद से इन बातों को समझ लेते हैं कि ये हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है जिसको हम फॉरन कंट्री कह रहे हैं उस पर उसका इम्पैक्ट हम स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आई एस एल एम मॉडल ये ओरिजिनल आपका एक लिबरिंग पॉइंट था ई जिस पर आई एस एफ ई लाइन और एल एम कर इंटरसेक्ट कर रहे थे तो हमारे फिजकॉल पॉलिसी में चेंज की वजह से जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स में कमी आई थी तो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर के नैक्सट एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हो गया और इसकी वजह से आई एस कर ऊपर शिफ्ट हो गया सो कैंडियन मॉडल में तो टम्पोरेरीली शॉर्ट टर्म में जो आपका एक होगा वो एच पॉइंट पर होगा जिसके नतीजे में आपकी शॉर्ट पीरियड में आउटपुट में यानी फॉरेन कंट्री के आउटपुट में इजाफ़ा हो जाएगा लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि प्राइसेस में इजाफे की वजह से एल एम कर वापर शिफ्ट होगा और एक लिवरिंग एफ पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा तो एफ़ पॉइंट पर क्या सूरत हाल है आउटपुट में फॉरेन कंट्री के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रही लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है सो फॉरेन इनकम इज़ अनचेंज इन द क्लासिकल मॉडल शॉर्ट रन में क्लासिकल जो शॉर्ट रन में कैजियन मॉडल में इसमें इजाफा हो जाता है फॉरेन रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो जाता है और फॉरन प्राइस में इजाफा हो जाएगा सो इन आइदर द क्लासिकल और कैंजियन मॉडल आ टेम्पोरे इंक्रीज़ इन द डोमेस्टिक गर्मेंट परचेजेस रेजेज डोमेस्टिक इनकम यानी जिस मुल्क में वो पॉलिसी चेंज होती है उस मुल्क में उसकी इनकम में टेम्पोरेली इजाफा हो जाता है एंड डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाता है एज इन द क्लोज इकानमी इट आल्सो रिड्यूस डोमेस्टिक नेट एक्सपोर्ट्स सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्राउड आउट बोथ इन्वेस्टमेंट एंड नैट एक्सपोर्ट्स के गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो इजाफा हुआ है ये फिर कैसे क्राउड आउट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में कमी वाकई हो रही है और नेट एक्सपोर्ट्स में कमी वाकई हो रही द इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट इज़ एम्बिग्यूस हमने डिस्कस किया था कि ये दो आप डायरेक्शन में मूव करता है और इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा ये एम्बिग्यूस है द फॉरन रियल इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल राइज जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर है फ़ॉरन इकोनॉमी है उसमें इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल उसमें इंक्रीज हो जाएगा इन द कैंडियन मॉडल फॉरन आउटपुट वाइज टेम्पोरेली तो ये हाँ, आज हमने देखा कि फिजिकल पॉलिसी में चेंज का इम्पेक्ट किस तरह से इस ओपन इकानोमी इसके मॉडल में और फ्लेक्सिबल जब एक्सचेंज रेट है तो किस तरह से वो डोमेस्टिकली अफेक्ट करता है और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स को अफेक्ट करता है थैंक यू